चलो शुरू करें। बाय नाइट स्टैंड, अब बेड की बारी है। लैंप को अभी भी हटाना होगा। ये शेल्फ किसी काम का नहीं है। हमने कर दिखाया। हम इन कंस्ट्रक्शन सप्लाईज को फर्नीचर में बदलेंगे और लैडर काम आएगी। टूल ही बाकी थे। यहाँ स्क्रू करो, इसे यहाँ से काटो। रेनोवेशन करना मजेदार है। नापो और काटो। ये पेंट करने का टाइम है। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। हो गया। न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बने। मैं ग्लू लगाकर न्यूज़पेपर से दीवार सजाऊंगी। स्टाइलिश लग रहा है। ये बोरिंग है। ध्यान से, मैं मैगजीन बाद में इस्तेमाल करूंगी। मैं अच्छे वाले चुनकर दीवार पर लगाऊंगी। बढ़िया है। कोई छुट्टी नहीं। मैं इससे कुछ बढ़िया बनाऊंगी। फर कोट, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो हो, ये हुला हुप कमाल का है। कर्टेन शानदार है। हुला हुप पर कर्टेन लगाएं। फिर आपको स्टाइलिश हैंडमेड कैनोपी मिलेगी। बेड मैट्रेस लगा ली। पहले मैं एक विंडो बनाऊंगी। कार्डबोर्ड, पेंसिल, कैंची। विंडो तैयार है। थोड़ी ग्लू और इसमें शटर्स हैं। व्यू आपके मूड के हिसाब से बदल सकता है। ऐसा लगता है मैं दुनिया घूम रही हूँ। खुशबू अच्छी लग रही है। मैं भी कुछ बढ़िया खाऊंगी। मैं मेयो से स्नैक बनाऊंगी और पेपर से आंखें। कुछ मिसिंग है। हाँ, लाइट्स। अब ये कमाल का लग रहा है। मेरी ज्वेलरी, मैं इसे डेकोरेशन में बदलूंगी। अब से यहाँ की वाइब कमाल की होगी। और मैं कलर्ड पेपर से डेकोरेशन बनाऊंगी। स्ट्रैप्स काटे और रिंग्स बनाकर ग्लू करें। मुझे बस इसे एक साथ लगाना है। अब मैं अपनी डेकोरेशन लगा सकती हूँ। बढ़िया। कार्डबोर्ड से एक जार सजाएं, वायर से हार्ट बनाएं, इसमें एलईडी स्ट्रिंग लपेटें। और जार के अंदर डालें। मैंने लैंप बना लिया है। ये लो, मैंने अपनी लिपस्टिक बिगाड़ ली। इसे साफ करती हूँ। ओह, काम का रोल है। मैं स्टायरोफोम और रोल से कॉफी टेबल बनाऊंगी। मैं जीनियस हूँ। थोड़े फेदर्स और ग्लिटर। अब ये मेरा साइन है। अमीर मौली यहाँ रहती है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगी ताकि सभी को पता लगे। पर मेरी रूममेट भी है, उसे भी साइन की जरूरत है। गरीब। क्या? हे,
ये बहुत बुरा है, मुझे दूसरा साइन चाहिए। कैरी यहाँ रहती है। मैं शेल्फ्स को कीमती सामान से सजाऊंगी। इसमें कार्डबोर्ड शूज और वाटर कूलर के लिए काफी जगह है। मैं एक फोटो लेती हूँ। वूप्स, पर टेबल ये नहीं सह सकता। सॉक, मेरे पास एक आइडिया है। मैं शेल्फ से सॉक लटकाऊंगी। और अब मेरे पास फोन केस है। कैरी, हमें क्लास में जाना है। आ रही हूँ। कुछ नहीं से अच्छा एक सॉक बढ़िया है। हमारा छोटा फोर्ट तैयार है। ये कमाल का है। ओह, ये किस लिए है? क्लेयर, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमारा फोर्ट बर्बाद कर दिया। मैं अपना फोर्ट बनाऊंगी। ऐसा है? तो मैं भी तुमसे अच्छा फोर्ट बनाऊंगी। जलन हो रही है बहन। मैं मजबूत लकड़ी के बेस का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा आइडिया। मैं इसे ब्लूप्रिंट में लिख लेती हूँ। एक दूसरे के सामने दो वुडन पैलेट्स। हो गया। मेटेलिक कॉर्नर लगाएं। कुंग फू बार। नमस्ते। सही एंगल। बढ़िया है। और सीलिंग के नीचे बेड लगाएं। जब आप ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेहनत की क्या जरूरत है? चलो अब दीवार को पेंट करें। क्या मेरी बहन दीवार पेंट कर रही है? मैं कुछ बढ़िया करूंगी। मैं ओशन डेकोरेशन बनाऊंगी। बस दीवार पर पुष्पिन सर्कल बनाएं। इसके चारों तरफ थिक कॉर्ड लगाएं। दीवार से राउंड क्लॉक लें। ध्यान से कोई देख ना ले। और ये इसके बीच में लगाएं। बुरा नहीं है। मेरे डेकोर का सबसे जरूरी हिस्सा पेपर रैपिंग करना है। व्हूप्स, मैं कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े पहनना भूल गई। अब मैं कंस्ट्रक्शन स्टेपलर से दीवार पर ब्राइट रैपिंग पेपर की शीट्स लगाऊंगी। अब चलो फोर्ट की दीवार सजाते हैं। मुझे बड़ी कार्डबोर्ड शीट और मार्कर चाहिए। कोरल की आउटलाइन बनाएं। अगर ये सीधा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेचर कभी एक जैसा नहीं होता। अब चलो कोरल्स पेंट करते हैं। वोहो, बढ़िया डेकोरेशन है। अब हम इनको पीछे के दीवार में लगाएंगे। मेरे ओशन वर्ल्ड के बारे में क्या ख्याल है बहन? हाँ मैरी, मेरे पास भी एक्रेलिक पेंट है और मैं भी पेंट कर सकती हूँ। पहले मैं व्हाइट क्लाउड्स बनाऊंगी। ओह, कितने बढ़िया है। क्लाउड्स में थोड़ा ब्लू मिलाएं, आउटलाइन को ट्रेस करें और एक बढ़िया रेनबो बनाएं। पानी में ही रहो मैरी, तुम मेरे रेनबो तक नहीं पहुंच सकती। मैं दीवार पर क्लॉक के आसपास सी शेल्स और स्टार फिश लगाऊंगी। ओशियन फ्लोर के लिए 3D डेकोरेशन। मुझे ये बॉक्स चाहिए। स्नीकर्स, मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। चलो शेल्फ डिजाइन करें। बॉक्स के कैप पर क्लाउड बनाएं। इसे काटें। पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल करके बॉक्स पर स्प्रे पेंट करें। बॉक्स को दीवार पर लगाएं। इसके ऊपर क्लाउड लगाएं और इसे फर और लाइट्स की स्ट्रिंग से सजाएं। फॉक्स फर से बॉक्स का नीचे का हिस्सा कवर करें और उसके अंदर सारे स्नैक्स डालें। फ्यू, एक फर्नीचर डिजाइन करना मुश्किल है। ओह हाँ, मैं भी कुछ बढ़िया कर सकती हूँ। मुझे एक ट्रैश कैन की जरूरत है। एक कार्डबोर्ड कप भी काम आएगा। मैं ट्रैश कैन को ब्लू पेंट करूंगी। इसमें क्या रखूं? ओह हाँ, मैं इसमें लाइट बल्ब डालकर इसे वुडन बोर्ड से ढक दूंगी। मेरा डिजाइनर कॉफी टेबल स्लैश लैंप तैयार है। अब ये और आरामदायक बन गया है। मैंने किचन कर्टेन से भी बढ़िया एंट्रेंस बनाया है। हाय, आपको कौन सा फोर्ट ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में बताएं। क्या दिख नहीं रहा? मैं बिजी हूँ। यह अजीब है, यहाँ कोई नहीं है।
ठीक है, एक मजेदार पार्टी फिर से। मैं सुन सकती हूँ ये कितना मजेदार है। मैं उन्हें पकड़ने वाली हूँ। क्या हुआ? यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। जो भी है, टिकटॉक हाउस में आपका स्वागत है। आ जाओ। क्या? वहाँ की पार्टी और मजेदार है। बहन, सारे मजे मेरी जगह है। मुझे ट्रूम ट्रूम देखना पसंद है। मुझे बढ़िया इंटरनेट स्पीड चाहिए। अब क्या हुआ? वीडियो अटक गई है। इंटरनेट कहाँ गया? मैरी के पास अच्छी स्पीड है। मैं जाकर इंटरनेट ढूंढती हूँ। यहाँ की स्पीड बढ़िया है। तुम्हें इंटरनेट चाहिए? बहन, मेरे पास फ्री वाईफाई है। सच में? चलो साथ में ट्रूम ट्रूम की वीडियो देखते हैं। मैंने और मेरी बहन ने थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दी है। कैरोलाइन और उसके कजन ने इंस्टाग्राम पर बढ़िया सीक्रेट रूम देखा है। अब वो खुद का बनाना चाहते हैं। चलो देखते हैं कौन बढ़िया बनाता है। कैरोलाइन अमीर है तो वो अब सारे बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल खरीद सकती है। पर इन्हें उठाना आसान नहीं होगा। उसे अपने कजन की मदद लेनी होगी। मॉली के पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर वो काफी अच्छी और मददगार है और इसका उसके कजन हमेशा फायदा उठाती है। मॉली उसके लिए सब करती है। कैरोलाइन उससे काफी काम करवाती है और उसे बदले में मटेरियल देती है। मॉली सब खुद कर रही है और कैरोलाइन उसकी मदद नहीं कर रही। वो सिर्फ अपना कमरा बढ़िया बनाना चाहती है। मॉली इससे खुश नहीं है। इंटीरियर डेकोर सच में मूड सही कर सकता है। कैरोलाइन अमीर दिखना चाहती है और मॉली को कैरोलाइन की इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल करना है। रिजल्ट कमाल का है। कैरोलाइन गुस्से में है। सभी को अपने कमरे में शेल्फ्स चाहिए। कैरोलाइन अपनी सारी महंगी चीजें और टियारा वहां रखती है और वो मॉली के रूम को कूड़ेदान की तरह समझती है। गुस्सा आ रहा है। मॉली की क्रिएटिविटी कैरोलाइन के रिजेक्ट किए हुए सामान को बढ़िया बनाने में काम आएगी। वो पेंट की मदद से मामूली बॉक्स को बढ़िया बना देती है। ये बढ़िया लग रहा है। जब आपके पास पैसे हो तब आप कोई भी लाइट खरीद सकते हैं। मॉली अपने रूम में लाइट कैसे लगाएगी? खैर, हर जगह लाइट लगाना सही नहीं है, है ना? ये मॉली के ऊपर है। जल्द ही उसके रूम में बढ़िया लाइट्स लग गई जो कैरोलाइन भी नहीं खरीद सकती। मॉली के क्राफ्ट के बाद अब उसे अंधेरे में नहाना होगा। मॉली ट्रेजर के लिए बेसमेंट में जा रही है। यहाँ जरूर कुछ बढ़िया सामान होगा। ये पुराना सूटकेस यहाँ क्यों है? वो क्या करने वाली है? हम देखने वाले हैं। इसके अंदर दूसरा सूटकेस है। ये उसके नए रूम के लिए नहीं हो सकता जब तक ये चेयर में ना बदल जाए। ये बहुत आरामदायक नहीं है, पर मॉली इतनी क्रिएटिव है कि वो किसी भी चीज को अपने रूम के लिए बढ़िया बना सकती है। असल में ये पिल्लो है। बढ़िया। कैरोलाइन को जलन हो रही है, इसलिए उसने अपने रूम के लिए बहुत सारे स्क्वीशी कुशन मंगवा लिए हैं। और गरीब मॉली को अपने पुराने सामानों के साथ काम चलाना होगा। ये छोटे ग्रे माउस की तरह उदास है और कैरोलाइन खूंखार कैट की तरह है। अगर वो अपने घर में देखे तो शायद उसे कुछ बढ़िया मिल जाए। वो रोप और क्लॉथ पिंस का इस्तेमाल कर सकती है। कैरोलाइन को नहीं लगता कि ये काम आएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी। इस कमाल के फोटो डिस्प्ले को देखो। कैरोलाइन खुश नहीं हुई।
उसने शो ऑफ के लिए प्रोजेक्ट में अपनी पिक्स दिखाना शुरू कर दिया। मौली के आइडिया पर पानी फिर गया। मौली को भी कुछ ऐसा ही चाहिए और उसके पास एक आइडिया है। जब कैरोलाइन अपने नाक पर पाउडर लगा रही थी तब मौली ने उसका ट्रे चुरा लिया। ग्लू और सजावट की वजह से ट्रे एक मिरर में बदल गया। ये मौली के कमरे को ज्यादा अच्छा बनाएगा। पर मौली के पास कोई मेकअप नहीं है, उसे बस फेसेस बनाने होंगे। मौली के सूट को 3 स्टार मिलने चाहिए या 2, पर उसे अभी भी खुद पर भरोसा है कि उसका रूप कैरोलाइन से बढ़िया है। ओह, ये लड़ाई बुरी लग रही है। क्या आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किसका रूम ज्यादा अच्छा लगा? अगर बेड आईवी का है तो ये सब भी उसी का होगा। वाओ, इतना सारा पैसा। अब आईवी अपने सीक्रेट हाउस को बनाने के लिए जो चाहे वो खरीद सकती है, तो वो यही करती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। आईवी को काम करना पसंद है। वो पहले कभी इतनी मोटिवेटेड नहीं थी। उसके डैड ने उसे पहचाना तक नहीं। आईवी ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया और उसे पैनलिंग से कवर कर दिया। वो एक बढ़िया काम कर रही है। बदकिस्मती से ये किसी को देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी ये एक सीक्रेट है। यहाँ से और क्या ले सकते हैं? ओह, रग, कुछ स्निप्स और स्नैप्स और ओप्स, डैड आ गए। आईवी नहीं चाहती कि उनको पता लगे ये क्या कर रही है। लगता है डैड उनकी लड़ाई के बारे में भूल गए हैं, पर अब वो कुछ ढूंढ रहे हैं। डैड को हमेशा पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, ये टीवी देखने का टाइम है। रग बढ़िया लग रहा है। आईवी ने जो भी किया है उसने डायरी में लिख लिया है, पर उसने देखा कि कुछ मिसिंग है। ओह, उसकी डायरी के लिए शेल्फ। आईवी के पड़ोसी को जरा भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसने उसके रूम में ड्रिल कर दिया और उसने उसके हैंगर की जगह बढ़िया वाला बना दिया। हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आईवी ने जितना सोचा था शेल्फ उससे भी ज्यादा बेहतर है। हर दिन एक पार्टी है, पर प्लग इतनी सारी लाइट्स को संभाल नहीं सकते। फ्यू, ये बस हगी वगी है। परेशान करना बंद करो हगी। ये सब आईवी को सोने के बाद भूख लग जाती है। उसके अपने नए रूम में खाना लाने का एक आइडिया है। उसने सीधा फ्रिज से डिलीवरी सिस्टम बनाया है। अब वो आलस में होती है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है। ये 3 सॉसेज कार उसे खिलाने के लिए जा रही है और वो पैसेंजर भी लाए हैं। आईवी के डैड सोते हुए भी खाने के पीछे भाग रहे हैं। ओप्स, वोट गए और उन्हें नहीं पता वो यहाँ कैसे आए। पर आईवी को उसका डिनर मिल गया और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, ये बढ़िया पोस्टर्स यहाँ पर अच्छे लगेंगे। डैड का सपना पूरा हो गया। उन्हें ट्रूम ट्रूम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। वो होस्ट से बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। उसी वक्त आईवी टीवी सेट पर पहुंचकर होस्ट के कर्टन चुरा ले गई। कहानी में मोड़ और हम लाइव हैं। अब होस्ट के पास दूसरी पैंट नहीं है। ओह, इसलिए आईवी को कर्टन की जरूरत थी। ये गैर कानूनी जगह की छानबीन है। कुछ नहीं कहना चाहते। आईवी के डैड लेट डे शो के बारे में स्कैंडल पड़ रहे हैं। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? घर में पार्टी चल रही है। ओहो, आईवी के बेड में दीमक है। ये अजीब आवाज है। ये पक्का यही कहीं से आ रही होगी। दीमक ने लोगों को बुलाया है। कितने सारे?
डांडिया गिन नहीं पा रहे, क्या आप मदद कर सकते हैं? आपने कितने लोगों को गिना? हमें कमेंट्स में बताएं। आप क्या करेंगे जब आपका शरारती भाई आपको अकेला न छोड़े? ऐसा लगता है आप उससे दूर नहीं गए तो आप पागल हो जाएंगे। बस अपने सीक्रेट रूम में छिप जाओ। इसके अलावा उसे भी अपना सीक्रेट रूम बनाना होगा। ये बढ़िया होने वाला है। अपने पॉपकॉर्न ले आओ, चलो देखते हैं वो क्या बना रहा है। निक खुद को सबसे माहिर समझता है। उसने प्लग ही नहीं लगाया। जाहिर है वो बकवास पोस्टर से दीवार कवर करेगा, पर ये उसका आखिरी वाला था और वो दीवार में छेद करना नहीं चाहता। अब वो क्या करेगा? वहाँ पर एक और बढ़िया पोस्टर है। निक उसे अपने सीक्रेट रूम में लगाना चाहता है, पर ये पोस्टर एक गंदे दाग को छुपाता है। याद है ये कैसे आया? हाँ, इसे वैसा ही छोड़ देते हैं। हे, ये एक बढ़िया काम कर रहा है। स्नैप और वोला, कुशन और टेबल। खैर, अब निक को भूख लगी है। वो किसी वेट को उठाए बिना भी खा सकता है। उसे खाना बहुत पसंद है। वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैरोलाइन की एक्साइटमेंट जोरों पर है। उसे निक का खाना नहीं चाहिए और निक को प्लेट्स की जरूरत नहीं है। वो खुशी खुशी टेबल पर खा लेगा। तो हम प्लेट्स को पेंट कर सकते हैं। ये कैरोलाइन के रूम की दीवारों पर अच्छे लगेंगे और निक सिर्फ जल सकता है। पर इसके भी फायदे हैं, जैसे प्लेट्स को ना धोना। निक और कैरोलाइन बीन बैग चेयर के ऊपर लड़ रहे हैं। ये किसे मिलने वाला है? सबसे ताकतवर सिब्लिंग्स या जो एक बड़े इनाम का इंतजार करने को तैयार है? कैरोलाइन इंटीरियर डेकोर में माहिर है। उसे यहाँ और सामान चाहिए। निक दीवारों पर लेगोस लगा रहा है। ये अजीब लग रहा है। आपको पता है इससे भी बुरा क्या है? छत पर पेपर फ्रिंज लगाना। कैरोलाइन को ये पसंद आया। फ्लोर पर गिरे लेगोस भी फनी है। वो ऐसे ही हंसती है और वो ऐसे ही अपने भाई को शुक्रिया कहती है और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। और ये प्यार की निशानी है। ये फोन को चार्ज करने में मदद करेगा। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। निक को ये पसंद आया। कैरोलाइन को स्टफ्ड एनिमल्स पसंद है। निक को लगता है ये सिर्फ। निक को स्केटिंग पसंद है, भले ही उसे ऐसा करने पर चोट लगी हो। शायद वो ये बोर्ड किसी और चीज में इस्तेमाल करे, जैसे शेल्फ। और निक किसी सेफ चीज पर राइट कर सकता है। टेक डेक इसकी उंगलियां और दिमाग को ट्रेन करेगा। जब से उसके पास उसका रूम है, वो अपनी बहन के रूम से उसका सामान ले सकता है। तुम्हारी टॉय कार कलेक्शन कैसी रहेगी? इससे कुछ बनाने का सोचो। जैसे टॉयलेट पेपर रोल से बना गैराज। हे, ये बढ़िया लग रहा है। लाइट से ये डीलरशिप की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल बढ़िया है। निक को भूख लगी है तो उसने पिज्जा ऑर्डर किया है। इसे फूड चीज नहीं, इसे 3:30 होना चाहिए था। तो ये अपनी बहन के साथ शेयर करेगा पिज्जा बॉक्सेस देकर। कैरोलाइन ने ये पेंटिंग अपने भाई को डेडिकेट की है, पर उन्होंने अभी तक निक का रूम नहीं देखा। उसने सच में उसे खुश कर दिया। वो चौंक गए। कैरोलाइन को ये ठीक नहीं लगा। उसका रूम बढ़िया है। हमें कमेंट्स में बताएं किसका रूम ज्यादा अच्छा है। बस तुम अब हमें और परेशान नहीं कर सकते। हमें रूम बांटना होगा। हमारे हिस्से में आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? समझ गए एलियट।
कॉलिन, इसका मतलब लड़ाई है। हाँ, ये हेलमेट अनकंफर्टेबल है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो पछताएंगे। हम एक सुंदर सा फोर्ट बनाएंगे। हे, लड़कियाँ शेल्टर बना रही हैं। हमें भी अपना फोर्ट बनाना चाहिए। चलो भी, उठाओ। ये दीवारें बहुत भारी हैं। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। किसे पता था कि बनाना इतना आसान होगा? चलो भी, जान लगाओ। छत भी। ये प्लाईवुड कमाल का है। अब मैं सारे स्क्रूज टाइट कर सकती हूँ। असली मर्द हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं। लगता है चोट लग गई। ओह, ये मुश्किल लगता है। क्यों ना हम टेप का इस्तेमाल करें? ना, मैंने सब संभाल लिया है ब्रो। हमारा फोर्ट फ्रेम तैयार है। शानदार है। चलो अब दीवारों को पेंट करना शुरू करते हैं। जितना ब्राइट उतना अच्छा। बहुत अच्छे मॉली। मैं छत को पेंट करती हूँ। वो हो बढ़िया। और अब चलो लाइट्स लगाते हैं। इससे हमेशा माहौल बढ़िया होता है। मैं लाइटिंग में माहिर हूँ। और मैं हमारे लिए स्टफिंग क्लाउड्स बनाऊंगी। देखो, हमारे पास हमारा पेट क्लाउड है। हमारा फोर्ट मजबूत है। हे, देखो, लड़कियाँ अच्छी डेकोरेशन कर रही हैं। हम भी सजा सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। ये रहा हमारा सुपर वॉलपेपर। ये बढ़िया आइडिया है एलियट। ये दीवार कमाल की है। मैं इन बोर्ड्स को कहाँ इस्तेमाल करूँ? हाँ, हम लड़कों से नेल्स ले लेंगे। नेल्स? हाँ बिल्कुल। चलो बोर्ड पर हार्ट बनाते हैं। आउटलाइन पर हैमर से नेल्स बनाएं। देखो, ये बढ़िया बना है। वोहो, मेरे पास रेड यान है। मैं इसे नेल्स पर लपेट दूंगी, जिससे हमें बढ़िया स्पाइडर वेब मिलेगा। अब ये एक लेसी हार्ट है। मौली, ये तुम्हारे क्रश के लिए बढ़िया वैलेंटाइन गिफ्ट है। क्या, तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ फोर्ट की सजावट है। इस मैट्रेस को उठाना बहुत मुश्किल है। रुको, हम पहुंच गए हैं। अब हमारी जगह मुलायम और आरामदायक है। जिसने भी मैट्रेसेस बनाए हैं, वो जीनियस है। देखो मेरे पास क्या है। पिक्सल फिगरिन बनाने के लिए नाइफ और स्टायरोफोम का इस्तेमाल करते हैं, पर हम कुछ कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया, छत से पिक्सल फिगरिन बनाए। हे कॉलिन, तुम मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या, मैं कमाल के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के बीच में हूँ। स्क्रीन सीधा दीवार पर। बढ़िया, हमें सिर्फ नियॉन लाइटनिंग की जरूरत है। चलो इसे स्क्रीन फ्रेम में बदलते हैं। पॉपकॉर्न, होम थिएटर में आपका स्वागत है। मेरे पास जार है। ये बहुत जल्दी है। आपको मदद की जरूरत है। ओह, शुक्रिया। कोई बात नहीं, एक आम जार प्यारी सी सजावट में बदल गया है। मुझे हॉट ग्लू की जरूरत है और ट्वाइन चाहिए। जार पर ट्वाइन को लपेटे, ऊपर एक गांठ लगा दे। जार में मेकअप और ब्रशेस डाले और मैं अपना शीशा सजाऊंगी। मैं शीशे पर लाइट्स की स्ट्रिंग को चिपकाऊंगी। अब मेरा शीशा मुझे और सुंदर बनाएगा। पर कुछ मिसिंग है, पर हम ठीक कर सकते हैं। हमें एक ब्राइट फील्ड की जरूरत है। इस पर अलग अलग पीसेस ड्रॉ करें और इसे काटें। मेरे पास लीफ है और मेरे पास फिश है। ये प्यारा है ना? साइड्स पर फील्ड की सजावट लगाएं। मेरे पास जादुई जंगल है।
वो हो, और मेरे पास अंडर वाटर वर्ल्ड है। बहुत खूब, ये देखो लड़कियों ने अपना पूरा फोर्ट सजा लिया है। हम इससे अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास टाइल्स है, हम भी अपने साइड्स को कवर कर सकते हैं। आसान और स्टाइलिश, कैसा लगा लेडीज? एक, दो, तीन। फियो, ये थका देने वाला वर्कआउट था। बाइसेप्स, तुम थक गए हो, तुम खुद को एथलीट बोलते हो। घर में क्रॉस बार का होना अच्छा है, क्योंकि इस पर अपनी सारी ड्रेस को टांगना बढ़िया है। राइट वाला हाथ ब्लू पर, लेफ्ट वाला हाथ रेड पर। हो गया, ये अब तक का सबसे बोरिंग ट्विस्टर गेम था। हम लड़कों के साथ खेले। राइट वाला पैर ब्लू पर, लेफ्ट वाला ग्रीन पर। ठीक है, तुम जीत गई। हे कॉलिन, हमें लड़कियों के साथ खेलना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, चलो साथ में ट्विस्टर खेलते हैं। अब से लड़ाई बंद, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, साथ में रहना बहुत मजेदार है।